हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों अगर आप सिविल बैकग्राउंड से हैं, अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से हैं, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड से हैं, अगर आप CS से हैं, अगर आप IT से हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे आज जो मैं आपको वीडियो बताऊंगा, दो जगह जॉब बताऊंगा, LNT में ही होगी दोनों जगह। एक पेज पर होगा एक्सपीरियंस वालों के लिए और सेकंड पोस्ट पे होगा फ्रेशर वालों के लिए। स्टार्टिंग हम एक्सपीरियंस वालों से करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा। दोस्तों मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये, अगर आपको रियल में जॉब चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, LNT में अप्लाई जैसे आप करते हैं तो आपके एक या दो दिन में ना आपको एक फेक लेटर आ जाता है कि आप जो है 2500 रुपये, 2000 रुपये, 20000 रुपये, वॉट एवर कुछ भी अमाउंट डाल के कि आप सबमिट कीजिए और आप यहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं। और ये जो है मेडिकल के लिए बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। मैं आपको बताऊँ, अगर वो आपसे 2000 तो छोड़ो, 2 रुपये की भी, ₹2 की भी डिमांड कर रहा है ना, तो वो आपको जॉब नहीं देगा, वो फेक है। कभी भी कोई कंपनी, चाहे टाटा हो, LNT हो, या छोटी से छोटी कंपनी भी जो रियल कंपनी होती है, कभी पैसों की डिमांड नहीं करती है। तो ये अपने दिमाग में से भ्रम निकाल दीजिए। दूसरी बात ये है, अगर किसी स्टूडेंट को लगे कि यार ये अब जो पेज आया है, ये जो फॉर्मेट आया है, ये बिल्कुल सही है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे एक बार भेज के, सेंड करके आप मेरे से रीवेरीफाई करा सकते हैं, रीचेक करा सकते हैं। तो इसलिए आपसे मैं इतना ही बोलूँगा, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल और इंस्टा चैनल ज्वाइन नहीं किया है, याद से ज्वाइन कर ले, और कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि एक जगह मैं आपको बताऊँगा एक्सपीरियंस वालों के लिए और सेकेंड जगह बताऊँगा फ्रेशर वालों के लिए। तो मैं पहले आपको एक्सपीरियंस वालों की ना बता के पहले फ्रेशर वालों की बात कर लेता हूँ। देखिए फ्रेशर वालों के लिए वैसे वैकेंसी आई हुई है, देखिए यहाँ भी आई हुई है, यहां भी बहुत सारी वैकेंसी। देखिए 0 to 5 year ISD इंजीनियर, इसमें डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट दी हुई है। ऐसे ही प्रोक्योरमेंट क्या होता है, प्रोक्योरमेंट होता है कोई भी मटेरियल को परचेज करना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़े बड़े, जैसे आपको पता ही है, LNT हो गया, टाटा हो गया, या कोई भी छोटी से छोटी कंपनी में जिसका टर्नओवर करोड़ में है, मतलब 10 करोड़ भी है, तो उसमें एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। ये क्या करता है, मटेरियल को प्रोक्योर करता है, मतलब खरीदता है। अब इसके लिए क्या होता है कि आपके कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, यहां आपको बहुत अच्छी इनकम भी होती है, बहुत अच्छी जॉइनिंग सैलरी भी मिलती है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। अब बात कर लेते हैं पहले एक्सपीरियंस वालों के लिए। दोस्तों जो मैं एक्सपीरियंस वालों के लिए आपके सामने जॉब लेके आया हूँ, ये आई है LNT के अंदर। ये किसने पोस्ट की है दोस्तों, ये अभिजीत संतरा जी हैं, सीनियर इंजीनियर हैं, QA QC मतलब क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी चेकर हैं ये LNT में, और सीनियर इंजीनियर हैं। LNT बिल्डिंग एंड फैक्ट्री जो है 17 जून और 18 जून 9:30 से 4 PM तक अपना जो है मुंबई में वॉक इन ड्राइव चला रही है, जिसमें आप सभी जाके भाग ले सकते हैं। दोस्तों LNT के अलग अलग ग्रुप और कोर ग्रुप्स बन चुके हैं, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, और आज के टाइम में बिल्डिंग्स में और हाई राइज बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा ये वर्क कर रही है। यहाँ जो वैकेंसी होगी, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ किस किस के लिए होगी। यहाँ जो वैकेंसी होगी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए होगी, और यहाँ जो डिमांड की गई है 4 to 15 years की इन्होंने डिमांड की गई है। दोस्तों इन्होंने बोला है कि आप जो है अपना जो है डायरेक्टली आप अपना इस जाके ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आप जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, वॉक इन के लिए जा सकते हैं LNT में, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हैं। दोस्तों इन्होंने ये बोला है कि आप डायरेक्ट वॉक इन पर जाइएगा, एक्सपीरियंस बंदे जो फ्रेशर हैं वो उनके लिए मैं बताऊंगा, लेकिन जो वो एक्सपीरियंस वाले हैं वो वॉक इन के लिए जाएं, उसके साथ साथ अपना CV जो है इस वाली जो लिंक है, जो DIN का ऑफिशियल लिंक जो है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जिस पे मैं अभी आपको लेके चलूंगा, वहां अपना CV भी अपलोड करें, अपनी जॉब देख के। कैसे अपलोड करना है,
सबसे पहले मैं बताऊं, ये जो इनका प्लेटफॉर्म है जिसका उन्होंने जिक्र किया है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ इन्होंने डायरेक्टली बोला है कि इन्हीं में से आपकी जॉब होगी, आप अपना क्राइटेरिया देख के उस हिसाब से ज्वाइन कर लें। सब अब बात कर लेते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो अपना क्राइटेरिया देख लीजिएगा, 4 to 6 years, 4 to 5 years, 6 to 8 years, 7 to 8 years, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जॉब्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं अब ये हो गई एक्सपीरियंस वालों की बात, अब कर लेते हैं फ्रेशर वालों की बात। अब फ्रेशर वालों के लिए दिक्कत बहुत सारी है, क्या है कि पहले तो सबसे पहले आपका सीवी शॉर्ट लिस्ट नहीं होता, सीवी शॉर्ट लिस्ट हो जाए तो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता, इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ जाए तो इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते, इंटरव्यू में सेलेक्ट भी हो गए तो सैलरी कम मिलती है, सैलरी भी कम मिलती है, सैलरी के बाद आपको पोस्टिंग ऐसी जगह दी जाती है तो कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इन सभी बीमारियों की जड़ मैं निकालने जा रहा हूँ वो क्या है, उसके लिए उससे मैं क्या करूंगा कि आप सभी के लिए एक मैं डिटेल फॉर्मेट बना रहा हूं, मतलब एक एक्सेल शीट बना रहा हूं। देखिए मेरे को 10 दिन दे दीजिए, एक्सेल शीट बना रहा हूं, मान लीजिए सिविल वाले अलग, उसमें तो मेरे पास सिविल की कोई वैकेंसी आएगी ये सब इनको फॉरवर्ड करूंगा, मैकेनिकल वालों को अलग, इलेक्ट्रिकल वालों को अलग, डिप्लोमा सिविल वालों को अलग, इलेक्ट्रिकल वालों के अलग, और इन सभी को आप जाके कभी भी नोटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसा मैं करने जा रहा हूं, ऑलरेडी मेरा आधा काम हो ही गया है। तो अब आप एक इसमें अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, एक चीज़ है कि आपको मैंने सभी बता दिया, अब मैं बात कर लेता हूँ फ्रेशर वालों के लिए। फ्रेशर वालों के लिए आज की डेट में जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो दो वैकेंसियों का यहाँ साफ साफ मेरे को नज़र आ रहा है, तीन पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पहले वाली पोस्ट के लिए बात, आईएसडी इंजीनियर के लिए इन्होंने क्राइटेरिया मांगा है 0 to 5 year। तो 0 to 5 year में जैसे ही हम ओपन करके देखेंगे तो यहाँ इन्होंने डिप्लोमा मांगा है, कंप्यूटर डिप्लोमा, मतलब यहाँ आईटी टेक्नीशियन चाहिए, तो जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ रिक्रूटमेंट है जूनियर इंजीनियर के लिए, जिसमें बिल्कुल फ्रेशर वाले एलिजिबल हैं। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है और आप किसी भी ब्रांच से हैं, आप एनी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और CS IT वालों के लिए तो डायरेक्ट है ही। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आपको अप्लाई करने में जो दिक्कत आती है उसको भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, अभी आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगा। दोस्तों जो ये थी एक वैकेंसी, अब बात कर लेते हैं दूसरी फ्रेशर वालों के लिए, प्रोक्योरमेंट कोऑर्डिनेटर। इसमें क्या मांगा है दोस्तों, इन्होंने मांगा है BE BTech। देखिए डिप्लोमा वालों का मैंने वहाँ बता दिया, अब ये आगे BE BTech वालों के लिए बिल्कुल फ्रेशर के लिए रिक्वायरमेंट है। अब मैंने बताया कि आपको मटेरियल परचेज करना होता है, रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी के बारे में है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये छोटी सी है, इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और ये फ्रेशर वालों के लिए भी, याद रखिएगा फ्रेशर वालों के लिए भी है। अब आप इसी पेज पे लास्ट में आएंगे जो कि अपडेट हुई है 15 जून को इन्होंने, मतलब कल ही ये अपडेट की थी, जो सीनियर इंजीनियर बैंगलोर के लिए है और बिल्कुल एक्सपीरियंस फ्रेशर मांगा गया है, तो इसको देख लेते हैं। दोस्तों इन्होंने बोला है कि मैकेनिकल ब्रांचेस से आपने BE BTech किया हो तो आप यहाँ डायरेक्टली एलिजिबल हैं। तो मैकेनिकल वालों के लिए अलग से एक पोस्ट के लिए, अब आप बोलेंगे एक पोस्ट वैकेंसी तो अनलिमिटेड होंगी, देखिए एक पोस्ट के लिए कोई भी अपने कैडेट सेक्शन में नहीं डालेगा, तो ये पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए है लेकिन वैकेंसीज बहुत हैं, तो आप ये समझिए। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने की, तो यहाँ से जैसे ही आप अप्लाई का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आप यहाँ इस तरीके की सीट ओपन हो जाएगी। तो अगर आप ओल्ड यूज़र हैं तो साइन अप कर लीजिए, और जो न्यू यूज़र ओल्ड यूज़र है तो साइन इन कर लीजिए, न्यू यूज़र हैं तो साइन अप कर लीजिए। तो दोस्तों अब आ गए हम यहाँ साइन अप करके। देखिए वैसे तो सभी चीज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, मेन कहाँ प्रॉब्लम आती है, मेन आती है आपके इस वाले पॉइंट पे जो 6th नंबर पे है, स्किल्स। देखिए वैसे तो हर ब्रांच की अलग स्किल्स होती हैं और 20-30% बंदों को अपनी स्किल्स पता होंगी, लेकिन 60-70% बंदों को अपनी स्किल्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्किल अपडेट करूं या आपकी स्किल क्या होनी चाहिए आपकी ब्रांच के हिसाब से, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के अपलोड होने के थोड़ी देर बाद ही अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए कम से कम 20 कमेंट आप कर दीजिए स्किल्स के लिए, तो मैं आपको डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो मत देरी कीजिए, अभी अप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ज्यादा देरी करेंगे तो आपके हाथों से ऐसी जॉब निकल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।